गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप सुपर इलेवेशन क्या होती है इसको जानने वाले हैं। एक रोड जो कि मोड़ के पास बाहर की ओर उठी हुई रहती है, अगर मैं रोड का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं सामने से, तो ये बाहर की ओर उठी हुई रहती है क्यों, इस प्रश्न का जवाब हम लोग आज यहां पर ढूंढेंगे। सुपर इलेवेशन होता क्या है और क्यों बाहर की रोड ऊपर उठी हुई रहती है। तो आपको ये चीज जो सुपर एलिवेशन है, मैं इस डायग्राम में अगर बताने का प्रयास करूं, ये आपका रोड है जो कर्व्ड है। इस कर्व रोड के पास आपकी जब व्हीकल फोर व्हीलर या डंपर पहुंचती है, तो ये बाहर की ओर का जो चक्का होता है, ये हम अगर सेक्शन में देखें तो जमीन छोड़कर ऊपर उठने की टेंडेंसी रखती है। तो जिसको हम मैं लिखा हूं रेज्ड अप आउटर व्हील, आउटर व्हील जो होती है रेज्ड अप हो जाती है इफ नो सुपर एलिवेटेड, यदि जो रोड है वो फ्लैट बनी हुई है, सुपर एलिवेटेड नहीं है, तो उस केस में ये जो चक्का है बाहर वाली ऊपर की ओर उठ जाती है। तो क्यों उठती है, इसके ऊपर इस जो कार है या जो मोटर वाहन है, इसके ऊपर दो फोर्स काम करती है। एक इसका खुद का अपना वजन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट करके मैं लिखा हूं, और दूसरा की जो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की ओर, अगर इसको कर्व मैं बनाऊं तो ये कर्व का सर्कुलर पार्थ का ये जो बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और अंदर में जो काम कर रही है फोर्स भीतर की डायरेक्शन में सेंटर की ओर जो फोर्स काम कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और ये जो चक्का है जमीन छोड़ करके ऊपर उठ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू वहां पर ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ये नीचे वाली जो भीतर वाली चक्का है उसके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ता है। अगर मैं अंडरग्राउंड रेल की बात करूं जिस पर की टब चलती है, वो अंडरग्राउंड रेल की जो आउटर ट्रैक है, मैं ये आउटर ट्रैक दर्शाने का प्रयास किया हूं, आउटर ट्रैक पर जो हमारी टब का व्हील होता है, वो व्हील जो है व्हील के किनारे में फ्लेंजेस निकले रहते हैं, फ्लेंज यानी कि थोड़ा सा व्हील की जो मेन डायमीटर है उससे बड़ा करके एक साइड में एक फ्लेंज निकाल दी जाती है, जिसको मैं लिखा हूं व्हील फ्लेंज ऑफ टब, यानी कि ये जो किनारे में आपको दिखाई दे रही है ये फ्लेंज है जो कि टब का आपको दिखाई दे रही होगी। हार्ड ऑन वो जो कि दबाव डालती है फ्लेंज जो है आउटर ट्रैक के इनर पोर्शन पर, इनर एज पर वो दबाव डालती है, हार्ड प्रेशर डालती है जब आप वो उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं, और वो जब मोड़ने का प्रयास करते हैं तो जब वो दबाव डालती है जिसके कारण से व्हील के फ्लेंजेज पर और रेल में एक्सेसिव वियर होता है, घिसाव होता है, खराब होने की संभावना रहती है। इसी को काउंटर एक्ट करने के लिए, इसी को टू काउंटर दिस सुपर एलिवेटेड जो है जमीन को या फिर जो बाहरी रेल होती है उसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हैं। ये अगर पॉसिबल नहीं है कर्व के पास तो हम लोग वहां पर चेक रेल लगाने का काम करते हैं, यदि पॉसिबल सुपर एलिवेटेड करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तब। तो ये चेक रेल एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आप सभी जानते हैं कि हॉलेज रोडवे में आपको चेक रेल कर्व के पास लगानी रहती है। लेकिन ये जो हॉलेज रोडवे की बात कर रहे हैं जो माइनिंग क्षेत्र में इंडस्ट्री में होती है, जो मेन एंड टेल हॉलेज होता है, जो मैं यहां पर दिखाने का प्रयास करूं कि ये जो मेन एंड टेल हॉलेज होता है ये जो है इसकी इसमें जो है जरूरत नहीं पड़ती है सुपर एलिवेशन की, आउटर ट्रैक को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि मेन एंड टेल हॉलेज जो होती है दो रोप होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर इधर जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोडेड टब होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो एम्प्टी टब जो होती है राइजिंग डायरेक्शन में ऊपर की ओर लोडेड टब के नीचे जाने से ग्रेविटी से नीचे जाने के चलते वो ऊपर की ओर एम्प्टी टब जो है आ जाती है।
तो अपोजिट डायरेक्शन में दो रोप जो है काम करते हैं, जिससे इसकी जो बैलेंस्ड है, जो ट्रैक का बाहरी ट्रैक से जो रेल का ऊपर उठने का जो काम है वो बैलेंस्ड हो जाता है, इसलिए मेन एंड टेल हॉलेज में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो आप लोग जानते हैं, सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, यानी बाहरी जो रोड है, बाहरी जो लेवल है जिसको मैं यहां पर बनाने का कोशिश किया हूं, ये कितना एमएम ऊपर होना चाहिए, इस एमएम को सुपर एलिवेशन कितना एमएम होना चाहिए, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए एवी स्क्वायर बाई जी आर, जहां पे ए क्या है, गॉज ऑफ ट्रैक, ट्रैक के बीच की चौड़ाई, दोनों ट्रैक के बीच की चौड़ाई गॉज बोला जाता है, गॉज ऑफ ट्रैक, जिसको मीटर में अगर आप लिख रहे हैं वी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, जो आपकी जो कर्व है उस कर्व पाथ पर कितना वेलोसिटी से आपकी व्हीकल चल रही है वो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है, और स्मॉल जी जो यहां पर दिखाई दे रही है वो ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, और जो स्मॉल आर दिखाई दे रही है वो रेडियस ऑफ कर्व है, यानी कि ये जो आप मैं रेडियस बनाने का कोशिश किया हूं, इस सर्कल का जो रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर है। यहां पर एक जो आप देखते होंगे कि अक्सर हाँ जो गाड़ी होती है पलट जाती है, दूर की ओर फेंका जाती है, किस डायरेक्शन में इस कर्व के पास गाड़ी फेंकाती है, चंडराउंड में आप टब की बात कर ले, या ओपन कास्ट में कर्व पाथ में जो डंपर चलती है उसकी बात कर ले, या जनरल जो आपकी रोड में देखते हैं टर्निंग के पास जो ट्रक और जो बसें होती हैं वो फेंका जाती है दूर की ओर, तो किस डायरेक्शन में फेंकाती है, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, जो कर्व पाथ पर जो किसी भी पॉइंट पर जब आप एक टेंजेंट खींचते हैं जो 90 डिग्री पर बनती है रेडियस के 90 डिग्री डायरेक्शन में, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो डंपर या ट्रक जो है या टब जो है फेंका जाती है दूर की ओर, अगर वहां पर वी की मात्रा ज्यादा रहती है और ए जो है गॉज ज्यादा है और उसमें रेडियस अगर आप कम रखे हैं, गोलाई कम रखे हैं, रेडियस कम रखे हैं, तो वो जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह से सुपर एलिवेशन मीटर में निकाला जाता है एवी स्क्वायर बाई जीआर से। चलिए आप एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में दिखाई दे रही होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि इसके आंसर क्या होगी। एक लोकोमोटिव है, यानी कि मान के चलिए एक ट्रक है जो कि रोड पर चल रही है, जिसकी वेलोसिटी जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, साथ ही जो गॉज है, गॉज यानी कि दो ट्रक के बीच जो एक आप बात कहे हैं हम लोग यहाँ गॉज ऑफ ट्रक जो है वो 1 मीटर है, दो ट्रक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, रेडियस जो है 80 मीटर है, ये जो आपने कर्व बनाने का कोशिश किया है वो रेडियस को 80 मीटर कहा है, और जो आपका वेट है उस लोकोमोटिव का उसका 15 टन वजन है, तो सुपर एलिवेशन इन मिलीमीटर में ये प्रश्न आप हल सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि कितनी आंसर आती है। तो आपको कमेंट्स देना है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, कमेंट्स देना है मिश्रा सर के माइनिंग क्लास में आप दीजिए, मैं आपका आंसर देखने का देखूंगा और आपको लाइक करूंगा, ठीक है। तो चलिए ये जो एक चीज, इसको ओवरकम करने के लिए जो स्पीड होती है वो ड्राइवर को वहां कम करना पड़ता है ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, हम लोगों को जब गॉज बनानी पड़ती है तो जितना चौड़ा हो सके उस जगह पर रोड बनाना पड़ता है, जितना चौड़ा रहेगा उतना जो है आराम से वो वाहन जो है मुड़ जाएगी, और यहां पर रेडियस, रेडियस को आपको क्या करना होगा, जितना अधिक हो सके तब जो है आप सुपर एलिवेशन जो है कम आएगी, सुपर एलिवेशन कम आएगी, तो रेडियस जो पाथ है उस समय बनाते समय इंजीनियर लोग बहुत ध्यान से बनाने का प्रयास करते हैं ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो और वहां पर डैमेज कम से कम हो। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।